वो सीजन 14 में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए घर में 5 चैलेंजर्स की एंट्री हुई है, जहां पर मास्टरमाइंड विकास गुप्ता की भी एंट्री हुई है। लेकिन वीकेंड का वार पर राखी सावंत दिखाई तो दी थी, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि राखी सावंत कोविड-19 नेगेटिव पाई गई थी, इसलिए उन्हें शूट की इजाजत दी गई थी, लेकिन अभी उन्हें क्वारंटाइन पीरियड फिनिश करना होगा, इसलिए वो क्वारंटाइन पर है। और जैसे ही उनका क्वारंटाइन पीरियड फिनिश होगा तो वो नेक्स्ट वीकेंड का बार घर में एंट्री ले सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि वो अकेले घर में नहीं आएंगी, बल्कि उनका साथ निभाएंगी निकी तंबोली। निकी तंबोली ने बिग बॉस में काफी बेहतरीन काम किया है और उनका गेम हर किसी को पसंद आया, सो दैट मेकर्स उन्हें लूज नहीं करना चाहेंगे और एक बार फिर से वो बिग बॉस के घर में एंट्री लेंगी। इसी के साथ ही अली गोनी के गेम प्लान से भी हर कोई काफी इंप्रेस था और उनके भी बिग बॉस के घर में एंट्री को लेकर चर्चाएं हैं। और आपको बता दें कि अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है और जैसे ही चीजें कंफर्म होगी हम आप तक ये खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।